सो हेलो गाइस, मैं हूँ तमोना और आप लोग देख रहे हो टेक क्रिएटिव विजन। सो आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि मैं आज करने वाला हूँ वो जो ड्रोन था उसका जो रिमोट का फंक्शन ही है उसका वीडियो। सो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे वो उठता है, कैसे वो काम करता है, पूरा फुल डिटेल्स में। सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के पास। सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और कोई भी डाउट्स है तो कमेंट में जरूर ही बताना। तो इसको ऑन करने के लिए पहले तो आपको इसके स्विच पर दबाना होगा और फिर फर्स्ट बटन को ऊपर और नीचे करना होगा तो ये अनलॉक हो जाएगा। और फिर आप टेक ऑफ का फर्स्ट मोड करते हैं। तो टेक ऑफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो 1 की टेक ऑफ है इसको प्रेस करना पड़ेगा। तो पहले आप इससे ये भी ऊपर करके ऑन कर लीजिए ताकि इसके बैटरी पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, या फिर आप डायरेक्टली 1 की टेक ऑफ पर भी प्रेस कर सकते हैं। तो कर सकने के बाद ये आराम से उठ जाएगा। मैं तो उड़ाने नहीं वाला हूँ क्योंकि ये रूम में है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे आप देख ही सकते हैं मैंने इसको 1 की टेक ऑफ दिया और ये आराम से उड़ गया। तो सिंपली इसको करने के बाद ये आपको उड़ा सकते हैं। सो इसको फर्स्ट स्टेप आया 1 की टेक ऑफ। और टेक ऑफ के लिए टेक ऑफ आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि मैं भी करने वाला हूँ। देखिए इसको जस्ट पुल करने के बाद ऐसे ही अप डाउन करने के बाद पुल करिए और धीरे ही उठ जाएगा। सो ये फर्स्ट स्टेप कैसे टेक ऑफ करते हैं। सो गाइज अब बात कर लेते हैं इसके दो कीज़ के बारे में। सो इस साइड का कीज़ दबाने के इसको ऊपर जाएगा और इस साइड के नीचे जाएगा। सो राइट साइड का कीज़ पर अगर आप इस साइड पर देंगे तो ये राइट साइड में नहीं जाएगा, ये राइट साइड पे घूमेगा और लेफ्ट साइड में घूमेगा। और अगर आप लेफ्ट साइड के कीज़ पर देंगे तो ये राइट साइड पर जाएगा और लेफ्ट साइड पर जाएगा और सामने जाएगा पीछे जाएगा। लेकिन अगर आप राइट साइड के कीज़ में देते हैं मतलब लेफ्ट साइड के कीज़ में देते हैं तो फिर ये घूमेगा इस साइड सामने पीछे। सो यही एक सिंपल सा चीज़ है। सो गाइस मैं आपको यही 4 कंट्रोलिंग्स है इसको उड़ाकर दिखा रहा हूँ। सो आप देख ही सकते होंगे कि ये बहुत ही अच्छे से स्टेबिलिटी में उड़ रहा है एक रूम के अंदर। सो इसका स्टेबिलिटी और बढ़ाने के लिए इसका नेक्स्ट फीचर भी मैं दिखाऊंगा इस वीडियो के बाद। सो अभी आप देखिए कि ये कितना स्टेबली उड़ रहा है इस 4 बटन से ही। सो गाइस अगर आप लोगों को इसको एक हाइट पर ही सेट करना पड़ेगा जैसे कि मैंने सेट कर रहा है एक हाइट पर ही, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो लेफ्ट वाला बटन है इसको थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पर ही रखना होगा तो ये ऑटोमेटिकली एक हाइट पर सेट हो जाएगा। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इसको जो 360 डिग्री फ्लिप है इसके सामने। सो 360 डिग्री फ्लिप करने के लिए 360 डिग्री फ्लिप को प्रेस करना होगा और यहाँ पर देखिएगा 2 बार प्रेस करने के बाद या फिर 1 बार करने के बाद ये टी 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 करके आवाज़ होगा। आवाज़ होने के बाद ये आपको थोड़ा सा ऊपर उठाना है और इसको लेफ्ट में मतलब इसका जो राइट की है इसको जिस साइड भी आप फ्लिप करना चाहते हैं इस साइड पर कीजिए और ये फ्लिप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इसका जो इमरजेंसी स्टॉप है इसके बारे में। तो इसका इमरजेंसी स्टॉप ये काम करते हैं कि ये जब भी एक्सीडेंट में होता है तो फिर इसको प्रेस करने के बाद ये ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा बंद हो जाता है 1 सेकंड में। जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि ये थोड़ा सा अनकंट्रोलेबल हो गया, तो मैं इसको दबाऊँगा तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा 1 सेकंड में ही। ये 1 सेकंड में नहीं लगता ये बंद हो जाता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि इसका तो नीचे कर देने से बंद हो जाएगा, लेकिन नहीं, 2 दिनों से बंद होने पर टाइम लगता है लेकिन इसको देने पर 1 सेकंड भी टाइम नहीं लगता। सो गाइस अब मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ एग्जांपल्स कब ये इमरजेंसी का काम लगता है। सो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ये इमरजेंसी स्टॉप ऐसी ही परिस्थिति में ये काम आता है। सो ये बहुत ही अच्छा फीचर है इस ड्रोन का मुझे लगता है। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इस ड्रोन के सबसे बेस्ट फीचर का जो है फाइन टर्निंग मोड। इसको देने के बाद आपका ड्रोन एक जगह पर स्टिल खड़ा रहेगा बिना किसी हवा के मूवमेंट से भी, ये नहीं हिलेगा, एक जगह पर स्टेबल खड़ा रहेगा। सो इसको काम कैसे करते हैं आप देख ही लीजिए। अब पहले तो आपको सिंपली ऐसे इसको खड़ा करना पड़ेगा एक जगह पर और फिर आपको फाइन टर्निंग मोड कर ऑन करना पड़ेगा जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और फिर करने के बाद ये देखिए यहाँ पर देने के बाद टी 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 साउंड कर रहे हैं और ये पर ऐसा सेट करना है कि ये बीच में नहीं, ये ऐसे इधर उधर नहीं जाता है बिल्कुल। यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल बीच में रुक गया है सेट करने के बाद। ये थोड़ा सा इस साइड पर जा रहा हो तो आपको इस साइड पर प्रेस करना है एक बार।
अगर दो बार करना है तो दो बार बीप बीप साउंड करेगा, ये बहुत ही अच्छा है। देखिए अब अगर आपको इस सेट पर लेना है तो ये बहुत बार प्रेस मत कीजिए, एक बार प्रेस कीजिए तो ये आराम से एक जगह पर सेट हो जाएगा। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इसका जो स्पीड मोड है उसका। यहाँ पर थ्री स्पीड मोड है, एक फर्स्ट, ये है थ्री स्पीड मोड। यहाँ पर मैं और एक बार क्लिक करूँगा तो एक बार साउंड, देखिए एक बार हुआ, फिर करूँगा तो दो बार होगा, फिर करूँगा तो तीन बार होगा। सो ये थ्री मोड्स है फ्लाई करने का, इसे बहुत ज़्यादा स्पीड बनता है और बहुत ही स्लो स्पीड होता है। सो गाइस ये है इसका फर्स्ट स्पीड मोड, जैसे आप लोग देख ही सकते होंगे ये है इसका फर्स्ट स्पीड मोड। और फिर यह है इसका सेकंड स्पीड मोड, ये बहुत ही तेज़ी से और इतनी तेज़ी से कैमरा भी नहीं घूम रहा था जितनी तेज़ी से ये चल रहा था। मैं ये आपको थोड़ा सा स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ। और यह है इसका थर्ड स्पीड मोड जो कि बहुत ही तेज़ी से सामने पीछे जाता है, बहुत ही तेज़ है। आपको कैमरा में तो समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन ये एक्चुअली में बहुत ही स्पीड से जाता है जब ये थ्री स्पीड मोड में होता है। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इसके हेडलेस मोड के बारे में। इसका हेडलेस मोड काम क्या करता है, इसके सामने के साइड को पीछे में लाता है, मतलब इसका सामने के फंक्शन को पीछे के फंक्शन में जाता है। तो जब ये आप फ्रंट में देते हैं तो ये फ्रंट में जाता है, लेकिन आप जब हेडलेस मोड पर देंगे तो ये फ्रंट में देने से ये बैक पर जाएगा ऑटोमेटिकली, मतलब आप जब उल्टे खड़े होंगे तब ये हेल्प करेगा। तो अब आता है इसका जायरो कैलिब्रेशन का बटन। इसको देने से मतलब इसको देने के लिए आपको मोबाइल से कनेक्ट करना होगा वाईफाई से। सोचिए ये मेरा हाथ मोबाइल है, अगर आप इसको साइड में ऐसे कर्व करेंगे तो ड्रोन भी इस साइड पे जाएगा, और सामने करेंगे तो ऐसे ऐसे पीछे आगे पीछे ड्रोन, अगर मोबाइल को हिलाएंगे तो ड्रोन भी हिलेगा आराम से। ये है इसका जायरो कैलिब्रेशन का बटन जो कि मोबाइल में ही फंक्शन करता है, रिमोट में कुछ नहीं होता। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इसका वन की रिटर्न। इसको वन की रिटर्न एक्टिवेट करने के लिए आपको मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा और आपके मोबाइल का जीपीएस मतलब लोकेशन ऑन करना पड़ेगा, तो फिर इसका वन की रिटर्न भी काम करेगा। और मोबाइल का जो फंक्शनिंग है बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ, जस्ट आपको ऑन करना है, वाईफाई से कनेक्ट करना है इसको, और आपको जस्ट इसको प्ले पर देना है और ये ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए मैं आज इसको नहीं दिखा रहा हूँ कि कैसे मोबाइल से कनेक्ट करते हैं। मोबाइल बहुत ही ईजी है, वहाँ पर बहुत सारे फिल्टर्स है, आप कैमरा के लिए वीडियो भी कर सकते हो, फोटोज़ भी खींच सकते हो और भी बहुत कुछ है, मेनली तो फिल्टर्स भी है और भी बहुत सारे फंक्शंस है। और सो इतना ही आज के वीडियो में। सो गाइस और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि इसका सामने का जो एंटेनास है इसको ओपन कर लीजिए, हालांकि इसमें कोई भी तार नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन बहुत सारे दिनों में होता है लेकिन इस पर तो कुछ भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके फ़ोन के जो ये मतलब लगाएंगे आप, इसको नीचे से पुल करेंगे तो ये लग जाएगा। और बात कर लेते हैं इसका बैटरी के बारे में। इसका बैटरी जब ख़त्म होगा तो देख ही सकते होंगे कि ये ब्लिंक कर रहा है, पीछे का ड्रोन का रेड लाइट्स और सामने का ग्रीन लाइट्स देख ही सकते होंगे आप लोग, ये ब्लिंक कर रहा है लेकिन पहले ये नहीं कर रहा था, सो अब कर रहा है, इसका मतलब इसका बैटरी ख़त्म होने आ रहा है। सो जब ये ख़त्म हो जाएगा ऐसे गिरेगा नहीं, धीरे धीरे ये नीचे आएगा। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।